Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.3. The statement of the question is 5 into x raised to power 1 over 2 is equal to 7 into x raised to power 1 over 4 minus 2. सबसे पहले तो हम इसे अरेंज करते हैं. यहाँ पे 7 into x raised to power 1 over 4 ये प्लस का है. ये जब इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. यानी ये आपके पास बन जाएगा 5 into x raised to power 1 over 2 minus 7 into x raised to power 1 over 4. अब यहाँ पे इक्वल साइन की साइड पर ये 2 माइनस में है तो ये आपके पास इक्वल साइन के दूसरी साइड पर 2 प्लस में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे पार्स जो हैं, यानी पावर्स जो हैं, ये किसी जगह पे 1 ओवर 2 है, किसी जगह पे 1 ओवर 4 है. यानी हमारे पास कोई पावर प्रॉपर यानी न्योमिनेटर डिनोमिनेटर में आ रही है तो इसको हम सबसे पहले तो सिंपल पावर बनाने की कोशिश करते हैं. इसको सिंपल पावर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पे सपोज हम ये कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो x रेस्ट ऊपर 1 ओवर 4 है, ये x रेस्ट ऊपर 1 ओवर 4 दिस इज इक्वल टू y. ओके, सो अब इसके दोनों साइड पर हम स्केयर ले लेते हैं सिंपल. सो आपके पास यहाँ पे अगर मैं स्केयर लूंगा, यानी यहाँ पे इसका मरबा ले लूंगा, इस साइड पे भी मैंने इसका स्केयर ले लिया, सो x की पावर 1 ओवर 4 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे y का स्केयर आ जाएगा. यानी इसके ऊपर दोनों साइड पर यहाँ पर दोनों साइड पर सिंपल हमने स्केयर ले लिया, यानी इसके ऊपर भी 2 आ गया और इसके ऊपर भी यहाँ पर 2 आ गया. सो आपके पास ये सारी चीज y स्केयर इज इक्वल टू x रेस्ट पर 1 ओवर 4 का स्केयर आ जाएगी. अब सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि ये 2 जो है ये 1 ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 और 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 2 और 4 कैंसिल आउट होंगे, ये x की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू y स्केयर. अब अगर आप देखें तो अब ये हमें x की पावर, देखें यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई. यानी एक्चुअली हम प्रॉब्लम में थे, हम कंफ्यूज थे यहाँ पे कि x की पावर 1 ओवर 2 का क्या करें, x की पावर 1 ओवर 4 का क्या करें. तो x की पावर 1 ओवर 4 जो है इसको तो हमने y सपोज कर लिया, तो जब इसका स्केयर लिया तो यहाँ पे x की पावर 1 ओवर 2 जो है ये y स्केयर की इक्वल आ गई. सो जहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 ओवर 2 है इसको हम y स्केयर पुटअप कर देते हैं, जहाँ x की पावर 1 ओवर 4 है इसको हम सिंपल y यहाँ पे पुट अप कर देते हैं. तो हमारे पास अब जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन गई, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यानी 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये देखें कि ये अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन काफी इजी हो गई है. इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ पे ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास 10 आ गया. अब 10 के हम पेयर्स बनाते हैं, 1 × 10, 2 × 5. अब देखें ये पेयर जो है एक्चुअली हमें चाहिए क्या, 7y, यानी 7 चाहिए. तो अगर मैं 10 में 1 ऐड करूं या 10 में से 1 माइनस करूं तो मेरे पास यहां पे 7 नहीं आता. लेकिन अगर मैं 5 में 2 ऐड करूं, यानी ये दूसरे वाले पेयर में को देखूं तो इसमें 5 में 2 ऐड करूं तो मेरे पास 7 आ जाता है. इसका ये मतलब है कि अब हमारे पास जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल पेयर है वो बेसिकली ये वाला पेयर है. सो यहाँ पे इस पेयर को हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 5y स्क्वायर माइनस ये जो माइनस 7y है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस 5y और माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये अगर आप देखें तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे इतनी सारी चीज जो है ये सारी चीज ये बेसिकली आपकी 7y की इक्वल ही है. और अब आपको यहाँ पे इस चीज का भी आइडिया हो गया होगा कि हमने इसको बेसिकली कन्वर्ट जो है ये 5 और 2 में ही क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे पेयर के थ्रू 5 और 2 में किया. अब आप ये इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसे 3 और 4 में क्यों नहीं कर दिया.
तो 5 और 2 में सिर्फ किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये इसका मोस्ट सूटेबल एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे बेसिकली इन दोनों में से ये जो हमारे पास ये दोनों हैं, इन दोनों में से हम 5y को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास y माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस टू को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास y माइनस वन आ गया। यहाँ पे बेसिकली जो y माइनस वन फर्स्ट टाइम पे आया, यही कोशिश की जाती है कि ये y माइनस वन सेकेंड टाइम पे भी y माइनस वन नहीं आए, इसे y माइनस वन लेने के लिए यहाँ पे माइनस टू को जो है ना कॉमन लिया इन दोनों में से, यानी इन दोनों में से माइनस टू को इसलिए कॉमन लिया ताकि ये y माइनस वन आ जाए। अब बेसिकली यहाँ पे y माइनस वन इधर भी है, y माइनस वन इधर भी है, सो y माइनस वन को कॉमन ले लिया, यानी इसमें से भी यहाँ पे बेसिकली इसमें से भी y माइनस वन कॉमन चला गया और यहां से भी y माइनस वन जो है ये कॉमन चला गया। तो यहाँ हमारे पास y माइनस वन आ गया, यहाँ हमारे पास y माइनस वन यहाँ से निकला तो 5y रह गया, यहाँ से y माइनस वन निकला तो माइनस टू रह गया, तो ये 5y माइनस टू और यहाँ पे y माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों जीरो की इक्वल है तो 5y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यहाँ y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये माइनस वन है सो ये इक्वल साइन के दूसरे साइड पर जाएगा तो ये प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे 5y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस टू इक्वल साइन के दूसरी साइड पर प्लस टू आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू टू ओवर 5, यानी कि 5 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 5 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये 2 ओवर y आ जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बेसिकली हमारी वैल्यू जो थी वो x की फॉर्म में थी, यानी x वेरिएबल था, ये y तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया था, सो हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है यानी y को हम पुट कर देते हैं, यानी y हमने एक्चुअली लिया हुआ था y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, सो हम यहाँ पे भी x की पावर 1/4 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी x की पावर 1/4 पुट कर देते हैं, तो ये आपका x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा, यहाँ भी x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x को अकेला करने के लिए यानी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस में दोनों साइड पे इक्वल साइन के दोनों साइड पे इसकी पावर 4 ले लेते हैं बोथ साइड्स पे। अब चलें इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 1/4 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4, ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, ये यानी 1/4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो गए तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आपके पास सिर्फ x आ गया, ये 2 की पावर 4 जो है ये 16 है, 5 की पावर 4 जो है ये 625, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी ये जो 5 है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये 4 और 1/4 कैंसिल हो गए, 1 की पावर 4 1 ही आती है, यानी 1 को आप 4 टाइम्स 1 को 100 टाइम 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो वो ये 1 नहीं आएगा। तो आपके पास फाइनली x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आपके पास x की पावर x की वैल्यू आपके पास आ गई 16/625 और एक x की पावर आपके पास 1 आ गई, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है 16/625 और 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू।